हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों, और वक्त आने देव बता देंगे तुझे हम आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, और वो वक्त आ चुका है मेरे दोस्तों जब आपको खुद के ऊपर गर्व करना होगा कि आप कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, खुद पर विश्वास कीजिए। और हाँ, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष मेरे दोस्तों लंबा संघर्ष किया है अपनी परीक्षा के लिए, एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं खुशखबरी देने वाला हूं दोस्तों आज। और याद रखना, जो आज मैंने आपके सामने लिखा युवा हल्ला बोल जंग प्रारंभ, क्या है दोस्तों, अब जंग प्रारंभ हो चुकी है। अब जिसने भी एक दिन गवाया वो मेरे दोस्तों लाखों में पीछे हो जाएगा। क्या लाखों में दोस्तों? ध्यान रखना, रेलवे के अंदर लगभग 2 करोड़ से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अब आपके पास 100 दिन है मेरे दोस्तों, और ये 100 दिन आपसे आपका पड़ोसी भी नहीं छीन सकता। हमें मेरे दोस्तों हर किसी को ये ध्यान रखना है कि हमें तैयारी करनी है मेरे प्यारे साथियों 60 दिन के हिसाब से। क्या हम तैयारी करेंगे सुबह वाली क्लास में 60 दिन के हिसाब से? मैं आपके लिए प्लान लाऊंगा मेरे दोस्तों, हर किसी के लिए। मैं केवल रेलवे के लिए नहीं, मैं हर किसी के लिए प्लान लेकर आऊंगा कि हम जो फूल पत्ती वाली क्लास है मेरे दोस्तों उसमें कुछ ऐसा प्लान कर ले जिससे हमारा पूरा साल का जो करंट है दोस्तों वो 60 दिन के अंदर ऐसे जो काजू कतली लड्डू टाइप सवाल होते हैं वो सब की सब निपट जाएं। क्या दोस्तों? सब की सब निपट जाएं। तो आइए उसी मोटिवेशनल कोट के साथ क्लास को प्रारंभ करता हूं कि वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त आपका वक्त बदल देगा। क्या वक्त बदल देगा? और दोस्तों जितना वक्त देना था अब दे चुके हैं, अब अपना वक्त आ चुका है और सिक्का उछल चुका है। अब हेड भी अपना होगा और टैल भी अपना होगा। मैं पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ मेरे प्यारे शेर शेरनियों के साथ में इस क्लास को लेने वाला हूं, और मुझे भी पूरा भरोसा है दोस्तों कि आपके अंदर वो आग जग चुकी होगी जो मैंने कल मेरे दोस्तों आपके अंदर जगाई थी। वो याद कीजिए, उस फोटो को मेरे लाडलो, वो माँ वाली फोटो याद है आपको? और मैंने आपसे कहा था कि अब तो इस समय के लिए पढ़ना है। क्या अब तो इस समय के लिए पढ़ना है? तो आइए सबसे पहले रिविजन करते हैं मेरे दोस्तों। सप्ताह में जो कुछ पढ़ा था उसमें जो दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं उन्हें निपटा देते हैं, फिर मैं बात करूंगा कि दोस्तों हम एनटीपीसी के लिए क्या करने वाले हैं। और वो जो आपको मैं बता रहा हूं कि जंग प्रारंभ हो चुकी है। क्या जंग प्रारंभ हो चुकी है? और मेरे दोस्तों हम जंग में जीतेंगे क्योंकि हम रणनीति के साथ उतरेंगे। क्या रणनीति के साथ उतरेंगे? तो आइए मेरे दोस्तों इस जंग को प्रारंभ करते हैं और एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। और ये मोटिवेशनल कोट मेरी क्लास के हर शेर शेरनी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या दोस्तों? अति महत्वपूर्ण। देखिए, जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे, क्या जब दुनिया जो अक्सर समझती है, क्या दोस्तों, और जो पड़ोसी है वो तो अक्सर कमजोर समझता है, क्या जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे तो तुम्हारा जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या जब तुम्हारा जीतना बहुत जरूरी हो जाता है? जब भी दुनिया कह दे कि तुमसे ना हो पाएगा, उनकी आंखों में आंखें डाल के कहना, क्या उनकी आंखों में आंखें डाल के कहना कि अभी तो हौसलों की उड़ान बाकी है। क्या अभी तो हौसलों की उड़ान बाकी है? मैं अपनी जिद पे हूं। क्या मेरे दोस्तों? मैं अपनी जिद पे हूं। और मंजिल कितनी भी ऊंची हो मेरे दोस्तों, मंजिल कितनी भी ऊंची हो, हौसलों के आगे छोटी नजर आती है। क्या हौसलों के आगे छोटी नजर आती है? बस मेरे दोस्तों हार मत मानना, रुकना मत। क्या हार मत मानना, रुकना मत। मैं आपको हमेशा दोस्तों इसी चीज के लिए मोटिवेट करूंगा क्योंकि मेरे लाडलो पढ़ता हर कोई है। क्या पढ़ता हर कोई है? आप मुझे बताइए तैयारी कौन नहीं करता? हर कोई तैयारी करता है, लेकिन सिलेक्शन कुछ का होता है। और मेरे दोस्तों जिनका एक बार में सिलेक्शन नहीं होता, आप देखना अगली बार उनमें से कुछ मेरे दोस्तों बड़ी बेहतरीन रैंक के साथ सिलेक्शन लेते हैं। कारण क्या है कि उन्होंने सीखा था। और दोस्तों कुछ लोग निराश होकर के बैठ गए। क्या निराश होकर के बैठ गए, रोने लग गए कि मैं नहीं कर सकता। एक बात बताओ मेरे दोस्तों, ये तय कौन करेगा कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वो मेरे दोस्तों एग्जाम में तय होगा। आप कौन होते हैं तय करने वाले कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? आप कर सकते हो, तभी तो आपने दोस्तों फॉर्म भरा था, तभी तो अपने आपके माँ बाप को आपने सपना दिखाया था। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं वादा करता हूं दोस्तों आप कभी भी फॉर्म नहीं भरते। सोचकर देख लीजिए मेरे लाडलो इस बात को, आपको करना ही पड़ेगा। क्या करना ही पड़ेगा?
पड़ेगा, अपने अंदर का जोश जगाना पड़ेगा। और इसमें दोस्तों कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्या कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। जिसको भी इसमें संदेह है फूल पत्ती वाली क्लास में दोस्तों कोई भी उसके लिए उपयोगी बात नहीं होगी। इसमें उसी के खून में उबाल होगा जिसने ठान के बैठा है, क्या जो ठान के बैठा है उसी के खून में उबाल होगा। आइए चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए, आपको सुबह जगाने के लिए मेरे दोस्तों ये जो चार्जिंग है वो चार्जिंग करनी पड़ती है। अब चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं आज के पहले सवाल के ऊपर, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए मेरे लाडलो। देखिए हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने प्रदेश को संविधान की 6वीं अनुसूची के अधीन लाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया है, तो बताइए मेरे दोस्तों 6वीं अनुसूची कुछ याद आ रहा है आपको? 6वीं अनुसूची के अंदर कौन कौन है? इसके अंदर दोस्तों ATMM, क्या है ATMM, ऐसे क्या बन गया असम बन गया, टी से बन गया त्रिपुरा, मै से क्या बन गया दोस्तों इससे मेघालय बन गया, और इससे बन गया मिजोरम। तो चार राज्य इसके अंदर, और चार राज्यों का दोस्तों जो प्रशासन है जनजातीय क्षेत्रों का वो इसके अंदर है। इसमें किसने प्रस्ताव पारित किया है? वो किया है अरुणाचल प्रदेश ने। इसने कहा है हमें भी शामिल कर लो किसमें, 6वीं अनुसूची के अंदर। पहली अनुसूची याद है राज्यों की बात करता है, दूसरी अनुसूची दोस्तों दो नंबरी मतलब की वेतन भत्तों की, तीसरी अनुसूची तीन शब्द शपथ की बात करता है, चौथी अनुसूची दोस्तों चौथा करवाया था हमने किसका, राज्यसभा के सांसदों का, पांचवी अनुसूची याद कीजिए पांच से बना था दोस्तों SC ST, छठी अनुसूची याद कर लीजिए अभी पढ़ाया ATMM, सातवीं अनुसूची सात फेरे हुआ लिस्ट आपके सामने आ गई वो सातवीं अनुसूची हो गई, आठवीं अनुसूची दोस्तों लैंग्वेज में कितने लेटर हैं, आठ लेटर हैं मतलब की भाषाएं हैं, नवी अनुसूची मेरे लाडलो नौ भूमि सुधार नौ ना हो पाएगा तो दोस्तों भूमि सुधार है, दसवीं अनुसूची दस बहाने करके ले गया दिल तो दल बदल है दोस्तों, ग्यारहवीं अनुसूची पंचायत किया आपने याद है आपको अपने यारों के साथ पंचायत तो दोस्तों स्थानीय निकाय, बारहवीं अनुसूची क्या है तो आपको बाहर बेचा आपने वहां बड़ी पंचायत की तो शहर संबंधित नगर निकाय है, याद हो गया ना दोस्तों? अरे याद करा कर छोड़ूंगा, आप कोशिश करो भूलने की, मैं आपको सपनों में आकर याद कराऊंगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस औद्योगिक समूह ने फ्यूचर समूह के खुदरा और थोक कारोबार के अधिग्रहण को घोषणा की है? तो आप जानते हो मेरे दोस्तों किसने की है, रिलायंस ग्रुप ने की है। और ये जो फ्यूचर ग्रुप है याद है आपको मेरे दोस्तों, एसी की हवा खाने जाते थे आप जहां पर बिग बाजार, क्या बिग बाजार, वो फ्यूचर ग्रुप का ही है। किसका है? फ्यूचर ग्रुप का। तो फ्यूचर ग्रुप को दोस्तों किसने अधिग्रहण कर लिया? तो इसका अधिग्रहण कर लिया रिलायंस ग्रुप ने। हाल ही में किस भारतीय मूल की जासूस को ब्रिटेन के ब्लू प्लॉग सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? याद कीजिए दोस्तों टीपू सुल्तान के यहां से नूर इनायत खान। कौन है? नूर इनायत खान। और जासूसी करती थी दोस्तों किसकी तरफ से? ब्रिटेन की तरफ से। लंदन में एक घर था और उस घर को दोस्तों ब्लू प्लॉग दिया जाएगा, क्या उस घर को ब्लू प्लॉग दिया जाएगा। याद है आपको ब्लू कलर का दोस्तों एक सिक्का टाइप का था, वही होता है ब्लू प्लॉग। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एलन मस्क का स्टार्टअप न्यूरोलिंक चर्चा में है, न्यूरोलिंक प्रयासरत है। याद कीजिए मेरे दोस्तों जीवों के मस्तिष्क में क्या घुसा रहा है, जीवों के मस्तिष्क में चिप लगा रहा है, क्या न्यूरोलिंक, क्या न्यूरोलिंक। और ऐसा काम कौन कर सकता है? वो है अपना एलन मस्क। क्या है दोस्तों? एलन मस्क भाई साहब है स्पेस एक्स कंपनी इनकी, टेस्ला दोस्तों इनकी, और अब न्यूरोलिंक जो स्टार्टअप है जो दोस्तों अमेरिका के अंदर है और क्या कर रहा है, कंप्यूटर चिप को जीव के मस्तिष्क में इंप्लांट कर रहा है। याद कीजिए सुअर के दोस्तों किया था, उसके बाद में अब क्या कह रहा है कि दोस्तों म्यूजिक बजेगा, क्या म्यूजिक बजेगा, और उसके लिए ईयरफोन की जरूरत नहीं है, चिप लगवा देंगे आपके दिमाग के मस्तिष्क के अंदर ही, और उसमें स्ट्रीम भी कर सकते हो मोबाइल से, उसे लिंक कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ओणम पर्व पर प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं, यह पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ओणम कहां का है दोस्तों? ओणम है केरल का। आप जानते हो ये कैसा त्योहार है, एक हार्वेस्टिंग त्योहार है, फसल कटाई का त्योहार है ओणम पर्व। तो मेरे दोस्तों ओणम तो है केरल का, पोंगल कहां का है? तमिलनाडु का है। पोंगल कहां का है? तमिलनाडु का है। और
ओणम जो है दोस्तों केरल का है। कहां का? केरल का। केरल के अंदर आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, याद कर लीजिए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के अंदर है। कहां पर? केरल के अंदर है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अगला देखिए, हाल ही में किस फार्मूला वन चालक ने बेल्जियम ग्रांड प्री जीत ली है? मिल्टन साहब ने। किसने दोस्तों? मिल्टन साहब ने, लुईस मिल्टन ने। और मैंने कहा था ये बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं दोस्तों, किसके? याद कीजिए, माइकल सुमाकर के। और इनकी दोस्तों जो ये जिसके चालक हैं वो कौन सी गाड़ी है? मर्सिडीज है। और ये खुद कहां के हैं? ये खुद हैं दोस्तों इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, इनके संदर्भ में सत्य कथन है, क्या है दोस्तों बताइए? ऑप्शन नंबर ए, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, ये गलत है दोस्तों, जय माता दी। ऑप्शन नंबर डी, जिसने भी लिखा है ना, जिसने भी लिखा है मेरे दोस्तों, माचू पिच्चू याद है आपको, वहीं से सीधा नीचे। कहां पर दोस्तों? वहीं से सीधा नीचे, दो बार, एक बार नहीं दो बार फेंकूंगा मेरे दोस्तों, याद रखना, जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लिखा है। मतलब हर जगह मैं समझ जाता हूं दोस्तों, आप और चैनलों पर जाकर जब ऑप्शन नंबर डी लिखते हो ना, और जब भी उसके आगे जय माता दी लिखा होता है, मैं समझ जाता हूं ये तो फूल पत्ती वाला ही उत्पाती है। क्या? फूल पत्ती वाला ही उत्पाती है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए गलत है मेरे लाडलो, इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में पीए संगमा को हराया था, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, किसने? प्रणब मुखर्जी साहब ने। ये पीए संगमा की एक पार्टी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लो दोस्तों, वर्दी वालों सुन लो, पीए संगमा जो है इसी ने एक पार्टी बनाई थी, नेशनल पीपल्स पार्टी, और भारत की 8वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन सी है? यही है, इसी पार्टी से कॉनरेड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। यह आरबीआई के गवर्नर नहीं मेरे साथियों, आरबीआई के गवर्नर कौन रहे थे? मनमोहन सिंह रहे थे, जब ये वित्त मंत्री थे। क्या? इंदिरा गांधी के समय जब ये वित्त मंत्री थे, तब मनमोहन सिंह क्या थे दोस्तों? गवर्नर थे। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मलक्का जलसंधि विभिन्न कारणों से सुर्खियों में है, ये जलसंधि जोड़ती है। तो याद कीजिए मेरे दोस्तों, ये अपना भारत था और ये हमने श्रीलंका को लटका दिया। क्या? श्रीलंका, भाई भाई की सरकार। किसकी सरकार है? भाई भाई की सरकार है। और मेरे दोस्तों, ये किस किस को ये लगता था, सच सच बताना, कोई झूठ नहीं बोलेगा, किस किस को ये लगता था कि एक दिन ये टूटकर पानी में गिर जाएगा? क्या? एक दिन ये टूटकर पानी में गिर जाएगा दोस्तों, मुझे तो लगता था। क्या? मुझे तो लगता था। और ये 100% सत्य है। क्या? 100% सत्य है। और देखिए, यहीं पर मेरे दोस्तों आपको पता है ये क्या हो गया, ये हो गया म्यांमार, इसके बाद में ये हो गया मलेशिया, और यहां हो गया सिंगापुर, और यहां पर मेरे दोस्तों सुमात्रा है, इन दोनों के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है मलक्का जलसंधि, बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर कौन सा सागर हो गया? अंडमान सागर। कौन सा हो गया दोस्तों? अंडमान। और इधर कौन सा है? साउथ चाइना सी। कौन सा है? साउथ चाइना सी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। अगर पूछ ले अलग किसको करती है, स्टार लगा के नोट करिएगा दोस्तों, ध्यान रखना, जब भी कोई जल संधि आएगी तो वो दो पानी के जो भाग होंगे उन्हें जोड़ेगी, और दोस्तों दो स्थल पार्ट को, लैंड पार्ट को अलग करेगी। तो किसको अलग करती है? सुमात्रा को दोस्तों मलाय प्रायद्वीप से, मतलब जिसमें मलेशिया है ना, मलाय प्रायद्वीप, उससे अलग करती है। किसको? इंडोनेशिया के सुमात्रा को। अगला देखिए, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति और महिला को सिंगापुर संसद में औपचारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यह पहली बार है जब सिंगापुर के अंदर कोई व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष बना है मेरे दोस्तों, और वो कौन बने हैं? वो बने हैं प्रीतम सिंह। कौन बने दोस्तों? प्रीतम सिंह बने हैं, और इनको सीट मिली है 10 सीट। कितनी सीट मिली है इनकी पार्टी को? 10 सीट मिली है। और जो दूसरी पार्टी है लुंगी डांस वाली, कौन सी दोस्तों? जो प्रधानमंत्री है सिंगापुर के, आप जानते हो, वो है लुंग सियांग। क्या नाम है? लुंग सियांग। तो लुंगी डांस वाली जो पार्टी है, इसे 83 सीट मिली है। कितनी? 83 सीट मिली है। और दोस्तों सदन की जो स्पीकर है, जो नेता है, वो कौन है? इंद्रानी रासा है। और ध्यान रखना, प्रीतम सिंह जो है, ये है नेता प्रतिपक्ष, और ये पहले नेता प्रतिपक्ष स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के लोक निर्माण विभाग ने राष्ट्रपति
अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस एक फोटो बनाऊंगा और आप सभी पहचान जाएंगे कि ये राज्य कौन सा है। क्या ये राज्य कौन सा है? देखिए मेरे दोस्तों, एक फोटो बना रहा हूं बस आपके सामने और आप सभी समझ जाएंगे कि ये राज्य कौन सा है। बिल्कुल आपके चेहरे की हंसी बता रही है मेरे दोस्तों, ये राज्य कौन सा है। अगर मैंने गलती से लिख दिया यहां पर छतरी, तो मेरे दोस्तों बाढ़ आ जाएगी। कहां पर? कमेंट्स बॉक्स में बाढ़ आएगी कि छतरी वाली योजना तो किसने स्टार्ट की थी? उत्तर प्रदेश ने। किसने दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उत्तर प्रदेश के अंदर स्टार्ट हुई है क्या? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। और मेरे दोस्तों इसके अंदर क्या होगा कि जो खिलाड़ी है जिन्होंने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों हम सम्मान करवाया है, प्रोत्साहित करने के लिए उनके घर को सड़क से जोड़ा जाएगा। और इसमें चेतन चौहान जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी थे दोस्तों, कैबिनेट मंत्री भी थे और साथ में दोस्तों पूर्व क्रिकेटर भी थे जिनका निधन हो गया, उनके घर को भी उनके नाम पर भी दोस्तों एक सड़क का नाम रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। सीएसआईआर सीएमईआरई ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है। इस सौर वृक्ष में कितने सौर पीवी पैनल हैं? तो मेरे लाडनो 35। कितने हैं? 35 पैनल हैं। और याद कीजिए ये दोस्तों कहां पर स्थापित हुआ है? ये हुआ है दुर्गापुर के अंदर। कहां पर? दुर्गापुर के अंदर हुआ है, वेस्ट बंगाल में। कहां पर हुआ है? वेस्ट बंगाल के अंदर, दुर्गापुर के अंदर हुआ है। 35 इसके अंदर क्या है दोस्तों? सौर पैनल है। क्या? 35 पैनल इस पे लगाए गए। सब याद है ना आपको मेरे लाडलो? मैं रिवीजन करवा रहा हूं जिससे दोस्तों सारी चीजें ताजा हो जाए और आपको खुद पर क्या हो दोस्तों? कॉन्फिडेंस महसूस हो। जिस दिन आपको खुद पर करंट अफेयर्स में कॉन्फिडेंस महसूस हो गया, समझ लेना आधा काम हो गया। क्या? आधा काम हो चुका है। बस अब तो मेरे दोस्तों इंतजार कीजिए किसका? एग्जाम का इंतजार कीजिए। और जो एग्जाम होगा, मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, पानी मांगेगा अब की बार एग्जाम। क्या? अब की बार पानी मांगेगा और उसको दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। क्या दोस्तों? अब की बार दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। ये वादा खुद से किया है। क्या? किसी और से नहीं दोस्तों, खुद से वादा किया है। और वादा पूरा करने के लिए तो हम जाने जाते हैं। क्या? जाने जाते हैं। चिंता मत करो रेलवे वालों, तुम्हारी तैयार को ऐसा फौलाद बना दूंगा 60 दिन के अंदर, अगले 60 दिन के अंदर हर व्यक्ति की करंट अफेयर्स 2020 में ऐसी पकड़ होगी मेरे दोस्तों इस क्लास के हर व्यक्ति की। अगले 60 दिन में वो खुद मुझसे कहेगा कि सर अब तो आने दो, किसको? एग्जाम को आने दो, अब हमसे बेट ना हो पाएगा। क्या? अब हमसे बेट ना हो पाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं, लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुस्तफा अदीब को किया गया है। याद है आपको बैरूत में बम धमाका हुआ था, उसके बाद में दोस्तों जो हसन दियार थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और मेरे दोस्तों वो बम धमाका किससे हुआ, इस पर स्टार लगा लो। क्वेश्चन पूछेगा अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा था? अमोनियम नाइट्रेट का भंडार। तो इसका आंसर है मुस्तफा अदीब दोस्तों नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। ये तो क्वेश्चन आपको याद होगा मेरे दोस्तों, भारत ने जबरदस्त क्या की है? ग्रोथ रेट की है। क्या? ग्रोथ रेट की है। हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार स्थिर मूल्य पर 2020-21 वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रही है दोस्तों? मात्र -23.9 डिग्री। कितनी दोस्तों? मात्र -23.9% रही है। और आप जानते हो ये कौन सा है? ये क्वार्टर फर्स्ट है। और क्वार्टर फर्स्ट दोस्तों कौन सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अप्रैल 2020 से। और आपको ध्यान रखिए दोस्तों, अप्रैल मई जून 2020, 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4। क्वार्टर तो आप वैसे भी जानते हो दोस्तों क्या होता है, चौथा पार्ट ही होता है। क्या? चौथा पार्ट ही होता है, आपको तो बताने की जरूरत है भी नहीं। तो क्वार्टर 4 है मेरे दोस्तों, 3-3 महीने के। क्या? 3-3 महीने के है। उसमें जो पहला क्वार्टर है, क्वार्टर 1, अप्रैल से जून के बीच में, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है ना, वित्तीय वर्ष, वो अप्रैल से ही स्टार्ट होता है। क्या? अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है -23.9
परसेंट। हाल ही में जारी रेबो बैंक ग्लोबल डेयरी कंपनी की लिस्ट में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड को कौन सा स्थान मिला है? अरे ये वही है, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो दोस्तों ये अमूल ही है जो कहां पर स्थित है, A4 आनंद में स्थित है। कहां पर? आनंद में है। दूध पीने से वैसे भी आपको आनंद ही आता है, तो दोस्तों भारत की दुग्ध नगरी कौन सी है? वो है आनंद है। और जानते हो आप वर्गीज कुरियन दोस्तों इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। कौन? वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति, ये सब आपने पढ़ लिया। 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, 1 जून दूध पीने पर दोस्तों जुनून आता है, 1 जून को बनाते हैं विश्व दुग्ध दिवस। और ध्यान रखना इसमें जो दोस्तों अमूल है वो 16वें स्थान पर है। पहले पर कौन था? पहले पर था नेस्ले। कौन था? नेस्ले, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ये पहले स्थान पर थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम खिलौना संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की गई है? और मेरे दोस्तों याद रखना वो कहां पर हुई है? गुजरात के अंदर। क्या? गुजरात के अंदर हुई है। खिलौना खिलौना खेलना है क्या दोस्तों? अब पबजी तो गयो मेरे लाडनो, अब किससे खेलेंगे हम? अब खेलेंगे तोता उड़ मैना उड़। क्या? तोता उड़ मैना उड़। तो देखिए गुजरात जो है मेरे दोस्तों, गुजरात के अंदर एक टॉय म्यूजियम बन रहा है। क्या? एक खिलौने का संग्रहालय बन रहा है जो कि कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा होगा। क्या दोस्तों? दुनिया का सबसे बड़ा होगा टॉय म्यूजियम। तो आंसर क्या है इसका? आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एस्ट्रोसैट अंतरिक्ष वेधशाला ने सितारों की आकाश गंगा खोजी है, इस आकाश गंगा को नाम क्या दिया है? तो इसको दिया है AUDFS01। स्टार लगा के नोट कर लेना वरना स्क्रीनशॉट तो ले ही लेना। AUDFS01 किसने खोजी है? एस्ट्रोसैट ने खोजी है। फूल पत्ती है मेरे दोस्तों इस पे। एस्ट्रोसैट की आप बात करें मेरे लाडलो, एस्ट्रोसैट क्या है? एक वेधशाला, एक ऑब्जर्वेटरी है। मतलब कि इसका काम है अंतरिक्ष को ऑब्जर्व करना, ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करना, उस पर निगरानी रखना। तो मेरे दोस्तों एस्ट्रोसैट जो थी वो हमने किससे भेजी थी? PSLV C30 से भेजी थी। किससे दोस्तों? जो लॉन्चिंग यान था इसका वो था PSLV C30। एस्ट्रोसैट ने क्या किया है? इसने ही मेरे दोस्तों एक आकाश गंगा खोजी है जिसका नाम है AUDFS01। आकाश गंगा तारों का समूह होता है, बिलियन तारे होते हैं दोस्तों इसके अंदर, अरबों खरबों तारे होते हैं। और जो जिसमें हमारा सूर्य है ना मेरे लाडलो, उसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। अगला क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2020 को जारी ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार निम्न में से कौन विश्व की सबसे अमीर महिला बनी है? मौके पर चौका मारने वाली महिला, और उसका नाम है दोस्तों क्या? मैकेंजी कोट। अब दोस्तों हो सकता है आपके दिमाग में नहीं आया हो, अभी आएगा। देखिए याद कीजिए मेरे दोस्तों, एक व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ था जिसके सिर पर बाल नहीं थे। क्या कुछ याद आ रहा है आपको? और मेरे दोस्तों उसके बगल में एक महिला भी थी। क्या? एक महिला भी थी। और आप ध्यान रखना यह था जेफ बेजोस। क्या नाम है? जेफ बेजोस। और यह है दोस्तों उनकी वाइफ जिसका नाम है मैकेंजी स्कॉट। लेकिन इनका क्या हो गया? इनका तलाक हो गया। और आप जानते हो जेफ बेजोस की कंपनी का नाम क्या है? अमेज़न। क्या नाम है? अमेज़न। और जेफ बेजोस जो है इनकी दोस्तों जो आय है वो है $204 बिलियन। कितनी है? 204, मतलब कि 200 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? वो बने हैं जेफ बेजोस। कौन बने दोस्तों? जेफ बेजोस। और मैंने आपको इनकी कहानी बताई थी दोस्तों, कितने संघर्ष के बाद में इन्होंने दोस्तों कितने कम समय में क्या कर दिया, अमेज़न जैसी एक बड़ी कंपनी, एक विशाल काय राक्षस के समान कंपनी खड़ी कर दी। और हम भी दोस्तों करके दिखाएंगे। अब भर्तियां तो होने वाली है फटाफट दोस्तों। क्या? फटाफट होने वाली है, क्योंकि सरकार को, हर बोर्ड को पता लग गया कि जिस और जवानी चलती है उस और जवाना चलता है। तो मेरे दोस्तों अब तैयारी में जुट जाइए। क्या? अब तैयारी में जुट जाइए। अब कुछ भी मत कीजिए, केवल पढ़िए। क्या? केवल पढ़िए। और केवल दोस्तों ऐसा मत कीजिए कि जय माता दी रटने में लगे पड़े।
रटने से नहीं होगा सिलेक्शन, कैसे होगा उस पर भी बात करूंगा 5 मिनट आज दोस्तों, कि हम किस प्रकार हर सब्जेक्ट को नस्ते नाबूद कर सकते हैं। अरे करंट अफेयर्स को करके दिखाया ना आपके सामने, उसके बाद ही बोल रहा हूं, पहले नहीं बोल रहा। सबसे टफ सब्जेक्ट जो है वो आपके सामने आज नागिन डांस करता है। क्या दोस्तों? नागिन डांस करता है। क्यों करता है, कारण भी बताऊंगा जो आपको समझ ही नहीं आया आज तक। धीरे धीरे दोस्तों मैंने परिवर्तन किया और आज देख लीजिए आपके सामने है वो परिवर्तन। देखिए इसकी पत्नी का दोस्तों क्या हो गया, तलाक कर लिया इसने, तो ध्यान रखना तलाक के बाद में इसको भी दोस्तों क्या मिल गई, अमेजोन की हिस्सेदारी मिली है। और इसके बाद में इसकी भी जो आय है वो लगभग 66 बिलियन डॉलर पहुंच गई। ये सबसे अमीर क्या बन गई, महिला बन गई। तो मैकेंजी स्कॉट सबसे अमीर महिला बनी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने तीसरे चरण में चीन के 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। निम्न में से किस ऐप पर प्रतिबंध तीसरे चरण में लगाया गया, इस पर आप लिखिए, पेपर में आएगा। लगा लो मेरे लाडलो फूल पत्तियां, मैं फिर कह रहा हूं पेपर में इसमें से सवाल निश्चित आएगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो मैं फिर एक बार दोस्तों मुस्कुरा के कह देता हूं आपसे, पेपर में निश्चित आने वाला है क्या ये सवाल, ये फूल पत्ती वाला आपसे कह रहा है। अब देखिए क्यों आएगा, तीन चरण है इसके। पहला कौन सा था याद कीजिए, पहले में 59 ऐप को बैन किया था 29 जून को। दूसरा कौन सा था दोस्तों, इसमें टिकटॉक गयो। दूसरा चरण कौन सा है, इसमें मेरे दोस्तों आप जानते हो जुलाई के अंदर था और इसके अंदर हमने 47 ऐप बैन की थी। अब है तीसरा चरण मेरे लाडलो, और इस तीसरे चरण में 2 सितंबर को क्या किया हमने, 2 सितंबर को 118 ऐप बैन कर दी। और इसके अंदर कौन निपट गया, PUBG मोबाइल निपट गया। क्या दोस्तों? PUBG मोबाइल निपट गया। किसके अंदर? इसके अंदर। तो ध्यान रखना PUBG गया। अधिनियम कौन सा है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। और इसकी धारा कौन सी है, इसकी धारा है 69A। क्या 69A? हाल ही में विश्व नारियल दिवस मनाया गया है, प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। 2 सिप पीनी है, क्या करनी है, 2 सिप पीनी है किसकी, नारियल की। तो 2 सितंबर को बनाते हैं दोस्तों विश्व नारियल दिवस। नारियल में वर्ल्ड में पहले पर कौन है, तो वर्ल्ड में पहले पर इंडोनेशिया है, और भारत में केरल है। कौन? भारत में केरल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, वो हुआ है 48। पहली बार भारत टॉप 50 में शामिल हो गया। क्या? पहली बार भारत टॉप 50 में शामिल हो गया। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पेपर में आने की संभावना भी है, क्योंकि पहली बार भारत टॉप 50 में आया है। पिछली बार 52 पर था, अब की बार कौन सी पर आ गया, 48 पर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, हिच में मैचीची मतलब जो हिचकी साहब है वो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं, और वो है मेरे दोस्तों आप सभी को पता है ट्यूनीशिया। मैंने याद कराया था आपको, चारा ही दोस्तों केवल भारत में ही नहीं खाते चारा, जो कचरा होता है वो भी खाया जाता है कहां पर, विदेशों के अंदर। कचरा निस्तारण कंपनी थी, उसमें शेयर थे किसके, ट्यूनीशिया के दोस्तों, जो प्रधानमंत्री साहब थे जिनका नाम क्या था, फाक फाक। क्या नाम था दोस्तों, जो फाक फाक साहब थे उनका था शेयर उसमें। और ये दोस्तों क्या हुआ, उन्होंने मान लिया लेकिन ये बोल दिया वो शेयर मैंने बेच दिया। क्या? शेयर बेच दिया लेकिन इस्तीफा दे दिया मेरे दोस्तों इन्होंने। इसके बाद में कौन बनाए, हिचकी साहब जो हैं वो क्या है दोस्तों, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गए। आप सोचिए अगर गलती से मेरे दोस्तों 2-4 लोग अपनी फूल पत्ती वाली क्लास को देख ले, वो तो खुद विश्वास नहीं करेंगे कि अपना नाम का क्या हो गया। क्या दोस्तों? सोच कर देखिए, पेट्रोल पंप भूरियो साहब है, ओबामा सुदामा। क्या? सुदामा साहब है मेरे दोस्तों। और देखिए शेख हसीना जुल्फों वाली, ये तो आपको ऐसा लगता हो ऐसे यही नाम है इसका, अरे नाम तो शेख हसीना ही है। चौथा भाई भाई की सरकार मेरे दोस्तों, नापाक इरादों वाला पाकिस्तान, ड्रैगन है मेरे लाडलो। मतलब इतने नाम आपने एक क्लास के अंदर रख दिए। क्या? ये मैंने नहीं, आपने रखे, मेरे से नहीं पड़ेगा कोई, ठीक है। अब देखिए आंसर तो हो गया ट्यूनीशिया, कहां पर है, अफ्रीका के अंदर स्थित है। कहां पर? अफ्रीका के अंदर। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की 1267 समिति सुर्खियों में है, यह समिति जिस संकल्प के
तहत गठित हुई है, वह संकल्प पारित हुआ 1999 में हुआ, याद है 1267 मेरे दोस्तों, इसी पर लात पड़ी है किसको, पाकिस्तान को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत के दो व्यक्तियों को जो काबुल के अंदर थे दोस्तों, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाने गया था, इसको लात मारी मेरे दोस्तों मिलकर अमेरिका, इंग्लैंड, चीन को हटा दीजिए, लगभग सबने लात मार दी। और दोस्तों ये 1267 ध्यान रखना आप, मसूद अजहर जो दोस्तों जैश ए मोहम्मद वाला जो था, उसको हमने इसी प्रस्ताव के द्वारा क्या करवाया है, उसको दोस्तों अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाया। कब आया, 1999 में आया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया है, वो है उषा पाड़े साहब दोस्तों। किसके स्थान पर आई है, ये आई है राकेश अस्थाना के स्थान पर। किसके, राकेश अस्थाना। राजीव कुमार याद है दोस्तों, दो राजीव कुमार हैं भारत के अंदर। देखिए पहला कौन है दोस्तों, पहला तो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष साहब है। कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। एक मेरे दोस्तों कौन है, चुनाव आयुक्त है। क्या नाम है इनका, इनका भी नाम राजीव कुमार है। उषा पाड़े साहब बन गई है पहली महिला महानिदेशक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की दोस्तों, सिविल एविएशन जो सिक्योरिटी ब्यूरो है उसकी बन चुकी है। पहली महिला एसपी कौन बनी है, किरण बेदी है मेरे दोस्तों। और पहली महिला डीजीपी याद कर लो, क्वेश्चन छपेगा, कंचना चौधरी भट्टाचार्य कहां की थी, देवों की नगरी उत्तराखंड की, कहां की, उत्तराखंड की। आइए अगला क्वेश्चन पर लेकर चलू, हाल ही में किन दो देशों के मध्य नौसैनिक युद्ध अभ्यास इंद्र नेवी 2020 बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जा रहा है, बताइए कहां पर, वो है मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा भारत और रूस। इंद्र से क्या बन गया, ई से बन गया इंडिया दोस्तों, और आर ए से बन गया रूस, तो इंडिया और रूस के मध्य हुआ है इंद्र नेवी 2020। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की तरफ से किस जहाज ने नेतृत्व किया, उसका नाम था रणविजय। क्या नाम था दोस्तों, रणविजय। और वो कैसा जहाज है, वो नस्ते नाबूद करने वाला जहाज है, उसे कहते हैं डेस्ट्रॉयर दोस्तों। क्या, डेस्ट्रॉयर मतलब सामने वाले का मूलतः विनाश कर दे। जैसे मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछ ले पेपर का दोस्तों डेस्ट्रॉयर कौन होगा, वो होगा फूल पत्ती वाला जवान। क्या, फूल पत्ती वाला जवान। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जल्दी बताइए भारत इंडोनेशिया के बीच में कौन सा है लाडलो, तो वो है, आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको याद भी करवा चुका हूं दोस्तों, गरुड़ शक्ति याद कर लीजिए। और मेरे दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा है, समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति। किसके बीच में, भारत इंडोनेशिया के बीच में। भारत अमेरिका के बीच में कौन सा है, वज्रप्रहार। कौन सा है, वज्रप्रहार। और मेरे लाडलो इंडिया और चाइना, इसके बीच में कौन सा है जिससे हमने कभी हाथ नहीं मिलाया, उसके साथ में दोस्तों कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं, हैंड इन हैंड। अगर आपसे पूछ ले हैंड इन हैंड कौन सा है, वो मेरे दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारतीय विश्वविद्यालयों के अंतर्गत किस संस्थान को सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्राप्त हुई है, तो वो है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु। किसको हुई है, IISc बंगलुरु। और मैंने आपसे ये भी कहा था मेरे दोस्तों कि टॉप 300 में हम कोई सा नहीं है मेरे दोस्तों, जो आर्यभट्ट का जीरो है उसका आविष्कार हमारे लिए हुआ है दोस्तों हायर एजुकेशन में, टॉप 300 में कोई भी नहीं है, 301 से 350 के बीच में कौन स्थित है, वो है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। पहले स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड की है। अगला क्वेश्चन है, नो आर्म सप्लाई नीति का पालन करने की घोषणा की है, किसने की है, वो की है दोस्तों रूस ने। रूस ने कह दिया है कि पाकिस्तान को हम हथियार नहीं देंगे। क्या, पाकिस्तान को हथियार नहीं देंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि इनका जो पाफेल है, मैंने आपको बताया था ना इनका जो पाफेल था दोस्तों, क्या भयानक पाफेल था। और एक फूल पत्ती वाले ने पूछा कि उसमें इंजन कितने, क्या मतलब, आप भी क्या हो, मैं तो हूं ही दोस्तों, फिर आप भी ऊपर से ऐसे ही हो, तो ये क्लास तो फिर ऐसी ही होगी। हाँ दोस्तों, हंसी हंसी में ही होने वाली है। इस क्लास की यही सबसे बड़ी खास बात है कि आपको घर पर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको यही याद होगा। क्या, यही याद होगा। तो दोस्तों कुछ महसूस हो रहा है आपको कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे, मुझे पता है दोस्तों
दोस्तों आपको लगभग सारे क्वेश्चन ही आते थे। देखिए रूस इसका सही आंसर है, और रूस से ही दोस्तों AK-47 के बाद में उसका नया वर्जन 1 मिनट में 600 दोस्तों बुलेट दागने वाला, याद कीजिए AK-203, जो कहां बनेगा, अमेठी के अंदर बनेगा। कहां दोस्तों? अमेठी के अंदर बनेगा, उत्तर प्रदेश में उसका निर्माण किया जाएगा। तो आंसर हो गया उसका ऑप्शन नंबर 20। अब मेरे साथ में जुड़िए, और मेरे दोस्तों आप सभी को शायद ये तो पता लग चुका होगा, आपने अलग अलग दोस्तों YouTube चैनल पर देख लिया होगा, और आप इस समय तो वैसे भी बहुत एक्टिव हैं। क्या बहुत एक्टिव हैं? कि जो NTPC और जो दोस्तों RRB है उसकी आपको देखा होगा, NTPC और ग्रुप डी की दोस्तों जो रेलवे के जो CEO साहब हैं, उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने YouTube चैनल पर आकर क्या किया, घोषणा की है कि हम एग्जाम कराने के लिए रेडी हैं। पहली बात तो उन्होंने बोला कि हमने अभी तक एग्जाम COVID-19 के कारण नहीं कराया था, और आप जानते हो दोस्तों ये सफेद झूठ था। क्या था? सफेद झूठ था, क्योंकि NTPC का एग्जाम दोस्तों पिछले साल का है। क्या? पिछले साल का है, और COVID-19 का दोस्तों इस साल आया है। तो पर कोई बात नहीं, वो करंट अफेयर्स दोस्तों उनकी इतनी बेहतर नहीं है, वो फूल पत्ती वाली क्लास नहीं ले रहे। अब देखिए, अगर मेरे दोस्तों उन्होंने जो डेट बोली है वो है 15 दिसंबर। क्या मेरे साथियों? 15 दिसंबर, और इसी में उन्होंने कहा है कि यहां से एग्जाम स्टार्ट होंगे। हम तो 15 मान ही नहीं रहे। अगर 15 में दोस्तों मानू वहां से, तो लगभग 100 डेज बनते, कितना, लगभग 100 दिन बनते हैं दोस्तों 15 दिसंबर को, अगर मैं मान लूं। हम नहीं मानने वाले, औरों को मानने दो दोस्तों 15 दिसंबर। हम तो कह रहे हैं हमारे पास केवल और केवल 60 दिन है। क्या दोस्तों? केवल और केवल 60 डेज का प्लान है। कितने साथियों? 60 डेज का प्लान है। अब इस 60 डेज को किस प्रकार हम बेहतर कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, कल दिखाऊंगा। क्या दोस्तों? कल दिखाऊंगा। और मैं इसीलिए जाना जाता हूं, आप सभी जानते हो इस बात को, कि मैं दोस्तों करके बताता हूं। क्या? करके बताता हूं। और आप जान चुके होंगे, मैंने आपको राष्ट्रीय पार्क याद करवा के दोस्तों बताए हैं, अनुसूचियां आपको याद करवाई हैं, और बहुत सारी चीजें भी मैंने आपको याद करवाई हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस 60 डेज के अंदर मैं मेरे दोस्तों जो करंट अफेयर्स है उसको नागिन डांस तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, वो तो मेरा परम कर्तव्य है। क्या दोस्तों? परम और मौलिक अधिकार भी है। इसके साथ में मेरे दोस्तों आपको मैं ये भी बताता चलूंगा कि भाई ये पॉइंट रेलवे NTPC के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या? NTPC के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो कल मेरे दोस्तों सुबह 5:30 बजे, क्या कल से सुबह 5:30 बजे आप सभी को जुड़ना है। जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए उनको कल से नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। और मेरे दोस्तों जहां मैं कहूं ना आपसे कि भाई स्टार लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मेरे दोस्तों नोटबुक में नोट कर लो, तुरंत तैयार रहना है, तुरंत मेरे दोस्तों नोट कर लेना है। क्या? अब इंतजार मत करो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर कह रहा हूं आपसे, आप इंतजार करने के लिए पैदा नहीं हुआ। क्या दोस्तों? इंतजार करने वाले को उतना ही मिलेगा जितना मेहनत करने वाला छोड़ कर जाएगा। क्या? ये मैं नहीं कह रहा, ये जुल्फों वाले राष्ट्रपति ने कहा है दोस्तों। हम सबके आदर्श, जिनकी आप बात मानते हो, जिनको अपना आदर्श मानते हो, APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि इंतजार करने वाले को केवल और केवल उतना मिलेगा जितना मेहनत करने वाला छोड़ देगा। और मेरी फूल पत्ती वाली क्लास का एक भी जवान इंतजार करने वाला होना नहीं चाहिए। अगर वो है तो आज से मेरे दोस्तों उसे चेंज होना पड़ेगा। क्या? चेंज होना पड़ेगा। और ये मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूं कि उसे होना ही पड़ेगा, तभी मेरे दोस्तों मैं फूल पत्ती वाली क्लास में उस जवान से वादा करूंगा कि तू सफल हो सकता है। क्या? तू सफल हो सकता है। करिए संकल्प दोस्तों, संकल्प करिए अपने जिंदगी में, और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। औरों को मानने दीजिए 100 दिन मेरे दोस्तों। औरों का काम तो क्या है मेरे लाडलों, औरों का काम यही है कि उन्हें तो मेरे दोस्तों टाइम अधिक ही चाहिए। अरे हम कम टाइम में करके दिखाएंगे, मैं आपको 60 दिन में उनके 100 दिन के बराबर कर दूंगा दोस्तों। क्या आप सोचिए, मैं केवल और केवल मैं
आप सोचिए मेरे दोस्तों, मैं केवल और केवल 60 दिन मानकर ही चल रहा हूं, क्या केवल 60 दिन मानकर चल रहा हूं और वो 100 दिन मानकर चल रहे हैं, तो आप बता दीजिए रफ्तार किसकी तेज होगी मंजिल की तरफ? वो होगी मेरे दोस्तों हमारी होगी, क्या हमारी होगी। और 60 दिन के बाद में जब मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछूंगा अब बताओ क्या हाल है, तो आप कहोगे सर अब तैयार हैं, भर चुके हैं, आने दो पेपर को मैदान में। और ये क्या बोलेंगे दोस्तों? ये बोलेंगे अभी तैयारी 60% हुई है। तो मेरे दोस्तों वहीं आप क्या कर जाओगे? मात दे दोगे। भर्ती तो आप जानते हो बहुत बड़ी है, 1,40,000 दोस्तों पोस्ट है, कम पोस्ट नहीं है, क्या कम पोस्ट नहीं है। लेकिन कंपटीशन भी मेरे दोस्तों औरों को लगता है बहुत ज्यादा है, लेकिन है ही नहीं कंपटीशन मेरे दोस्तों, क्योंकि आप समझिए इस बात को, रणनीति के साथ पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई करने के बाद रणनीति बना रहा है। क्या दोस्तों? सिलेबस कब बना रहा है? जब पढ़ लिया है, दिमाग भर चुका है, अब कह रहा है सिलेबस बनाऊंगा, क्या फायदा होगा? पहले रणनीति बनाएंगे उसके बाद में पढ़ाई करेंगे। रणनीति मैं बना लूंगा, आप मेरे दोस्तों जहां मैं आपसे कहूं फूल पत्ती लगा लो वहां लगा लीजिएगा। अगर विश्वास ना हो तो कुछ दिनों पहले ही NBE, मैं जानता भी नहीं दोस्तों उस एग्जाम के बारे में, मेरे पास तो केवल 2 लोगों के कमेंट आए थे कि सर आपके आपकी इस क्लास में से NBE का कोई एग्जाम है मेरे दोस्तों, उस एग्जाम में 50 में से उसने मुझसे दोस्तों 32 क्वेश्चन बताए थे और उस 32 में से लगभग 25 से 26 क्वेश्चन तो दोस्तों उसने टाइप करके दिए थे। कहां टाइप करके दिए थे? फेसबुक के ऊपर मुझे कि सर इतने क्वेश्चन आपके आए थे। आप खुद चेक कीजिएगा, खुद विश्वास कीजिएगा, मैं आपको बोल रहा हूं कोई NBE का एग्जाम है? मुझे नहीं पता दोस्तों ये कौन सा एग्जाम है, आप खुद एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं आप वचन दीजिए आप चेक करोगे, और चेक करने के बाद में इस क्लास के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालोगे कि सर उसमें से आए या नहीं आए, और नहीं आए तो दोस्तों मुझे बताइएगा कि सर ये क्लास में आपको चेंज करने पड़ेंगे, इसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे, मैं चेंज कर दूंगा दोस्तों। लेकिन कुल मिलाकर हमें सफलता चाहिए, यही इस क्लास का ध्येय वाक्य है, और मैं दोस्तों केवल इसीलिए आपके सामने खड़ा हूं। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं वो सारे काम करूंगा जिससे आपका विश्वास मेरे ऊपर अडिग रहे, क्या अडिग रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों औरों को 100 दिन मानने दीजिए, हम सब मिलकर के, मेरा जितना भी परिवार है सब मिलकर 60 दिन की तैयारी करेंगे। 60 दिन के अंदर पूरा सिलेबस दोस्तों निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं निचोड़ निकालना है मेरे दोस्तों, निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बाकी तैयारी आपको कैसे करनी है, मॉडल पेपर दोस्तों वो भी मैं आपके लिए कुछ मॉडल पेपर लाइव करवाऊंगा, क्या कुछ मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन है वो लाइव भी करवा दूंगा। और आप समझ लीजिए मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसका दिल से पोस्टमार्टम करूंगा, जो हर किसी के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो मेरी क्लास के हर जवान के लिए अगले 60 दिन सुबह 5:30 बजे लाइव आना है। लेकिन मैं अगर मेहनत करता हूं तो आपको भी सुबह 5:30 बजे जगने पर दोस्तों क्या होना होगा, अडिग होना होगा, अलार्म की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आपका सपना, आपका जुनून, आपका पागलपन, ये आपको जगाना चाहिए। जिस दिन ये काम हो गया ना, मैं समझ लूंगा अब झोला उठाकर दोस्तों कहां जाने का समय आ गया, हिमालय पर जाने का समय आ गया। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। टेस्ट पेपर है मेरे दोस्तों 10 बजे, उसको दीजिएगा, कुछ जानकारी मिलेंगी नहीं, कल इसका सॉल्यूशन मैं यहीं पर करवा दूंगा मेरे दोस्तों। इसके साथ में मेरे प्यारे लाडनो, खुद पर विश्वास बनाए रखिएगा, संडे का पूरा आनंद लीजिए, क्या पूरा आनंद लीजिए फालतू में दोस्तों। 7 दिन से बेहतर है 6 दिन जमकर पढ़ो, 1 दिन आनंद लो, क्या 1 दिन आनंद लो। कल सुबह 5:30 बजे यहीं पर दोस्तों इसी मंच पर आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, और होगा महाभारत का संग्राम, क्या होगा, महाभारत का संग्राम होगा। इसके साथ मैं विदा लेता हूं मेरे दोस्तों आप सभी से, आप सभी को मैंने जगाया, आप सभी को मैंने दोस्तों मजबूर किया कि आप कर सकते हैं, और मेरे दोस्तों मैं ऐसा ही करने वाला हूं, क्या आप सुन लीजिए, अब मैं हो चुका हूं मेरे दोस्तों आपके साथ बिल्कुल
खुल चुका हूं, मुझे कोई दोस्तों अब हिचक नहीं है आपके सामने, मैं ऐसा ही हूं, ऐसा ही रहूंगा, आपको जगाऊंगा, डेली जगाऊंगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। क्या अधिकार है? तो हंसते रहिएगा। अगर दोस्तों कुछ नया मिले आपको इस क्लास में सीखने का तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, या फिर मेरे दोस्तों आप फेसबुक पेज पर भी बता सकते हैं। वहां पर आप जाएंगे कुमार गौरव टाइप कीजिएगा, GAURAV, वहां मेरे दोस्तों आपको मैं मिल ही जाऊंगा। और हाँ मेरे प्यारे साथियों, पेपर है 10 बजे, टेलीग्राम चैनल पर है, उसका लिंक भी यहां पर मिल जाएगा। उत्कर्ष का टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उस पर जाइए, लगभग 3,20,000 से लोग अधिक जुड़े हुए हैं उसके साथ में, वहां जुड़ जाइए। वहां पर दोस्तों उसका लिंक आएगा 10 बजे, सीधा 10 बजे ही आएगा, और 10 बजे आपको वो पेपर सोल्व करना है। जिसका पेपर सॉल्यूशन हो जाए वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना कि सर मैंने इतने क्वेश्चन नस्ते नाबूद कर दिए। चलिए मेरे दोस्तों, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिएगा। किसान अन्नदाता मेरे दोस्तों, उसका सम्मान कीजिएगा। और हाँ मेरे लाडलो, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अपना लक्ष्य सीमा, लक्ष्य दोस्तों अर्जुन के तीर सा रखो, और हाँ अपना हौसला सीमा पर खड़े वीर सा रखो। जय हिंद मेरे दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे, तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।